क्या आपको भी पीरियड्स में काला खून आती है? पीरियड्स के दौरान काला खून आना क्या सच में आप प्रेग्नेंट हो? क्यों काला खून आती है? क्या रेमेडीज आप अपना सकते हो? कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आशा करूँगी आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, पीरियड्स में काला खून क्यों आती है, कब तक आना नॉर्मल है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, उधर आके मुझे बताना मत भूलिएगा। तो पीरियड्स के दौरान काला खून क्यों आती है, पहले मैं बता देती हूँ पीरियड्स के दौरान काला खून क्यों आती है। 1 से 2 दिन तक पहला दिन दूसरा दिन आना नॉर्मल है, और लास्ट के 2-3 दिन, यानी आपके पीरियड 7 दिन चल रही है, ड्यूरेशन 7 दिन है, तो फर्स्ट का 2 दिन, लास्ट का 2 से 3 दिन पीरियड्स काला हो सकती है। ये एकदम नॉर्मल है, इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट करना जरूरी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के साथ ठीक हो जाएगी, नहीं ठीक हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई असर नहीं दिखाएगी, तो इसको लेकर टेंशन करने का बात नहीं है। अभी बता देती हूँ ये क्यों होती है। ये आपके बॉडी जब ब्लड रिलीज करना छोड़ देती है, तो उस टाइम में जाके आपके पीरियड्स लास्ट में कुछ ब्लड आपके यूटरस लाइनिंग में रह जाती है। ये आपके बॉडी ऑक्सीजन के साथ मिलित होकर ऑक्सीडाइज हो जाती है। पहले ये लाल होती है, उसके बाद ये गाढ़ा लाल होती है, तो ब्राउन होते होते ये एक टाइम में काला खून में परिवर्तन हो जाती है। तब आपके पीरियड्स के साथ, यानी नेक्स्ट साइकिल के साथ ये पीरियड्स आती है, ये डिस्चार्ज आती है। ये चेंजेस आपके बॉडी के साथ है तो मतलब ये जो एक प्रोसेस आपके बॉडी के साथ हो रही है, तो पहले का 2-3 दिन, लास्ट का 2 से 3 दिन आपके साथ होगी, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको लेकर घबराहट लाने का जरूरत नहीं है। अभी बताएंगे डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। देखिए पीरियड्स किसी किसी का ड्यूरेशन रहती है 5 से 7 दिन, 7 दिन रहती है, किसी किसी का 8 दिन भी रहती है, ये जेनेटिक होती है, और पहले से ही बहुत सारे लेडीज को 8 दिन रहती है। तो 5, 7, 8 दिन तक पीरियड्स आना नॉर्मल है। 5 से 7 दिन ही हम बहुत ही ज्यादातर इसको रखते हैं कि पीरियड्स 5 से 7 दिन तक ड्यूरेशन रहती है। ड्यूरेशन लेंथ पीरियड्स का है, पूरा 5-7 दिन ही आपको ब्लैक पीरियड्स आ रही है, कभी हेवी आ रही है, कभी लाइट हो रही है, किसी किसी लेडीज को बहुत ज्यादा हेवी होती है पर ब्लैक, किसी किसी लेडीज को एकदम ना के बराबर होती है लेकिन ब्लैक पीरियड्स होती है, क्लॉट्स भी थोड़ा निकल सकती है, वो भी ब्लैक हो रही है, फीवर है, फीवर ना भी हो सकती है, पेन बहुत स्टमक में है, पेट में है, लोअर एब्डोमेन पे बहुत पेन है, और आपको खान पान का मन बिल्कुल भी नहीं है, वॉमिटिंग हो रही है उसके साथ, वजाइना पे आपको थोड़ा खुजली जलन, प्राइवेट एरिया में खुजली जलन हो सकती है। तो ये सब कुछ सिम्टम के साथ ब्लैक पीरियड्स आपको हो रही है, तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए। डॉक्टर के साथ आप मिलोगे तो उन्होंने आपको कुछ जांच करवाने के बाद बोल पाएगी, और उन्होंने आपके सिम्टम देखकर बोल पाएगी क्या प्रॉब्लम आपके साथ है। बहुत सारे लेडीज को गर्भाशय में ट्यूमर, गर्भाशय में कैंसर, ये बहुत रेयर है, होने के बाद ये प्रॉब्लम, ये सारे सिम्टम होती है, और बहुत सारे लेडीज को इन्फेक्शन के तौर पर भी हो सकती है, बहुत लोगों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो सकती है, उसके कारण हो सकती है ये प्रॉब्लम, यानी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ही हो ऐसा कोई बात नहीं है, इन्फेक्शन कई तरीके का होती है। ये आप एक ही पैंटी बहुत टाइम तक पहन के रखते हो तो इसके कारण इन्फेक्शन होती है, डिस्चार्ज आपको बहुत ज़्यादा होती है, 5 डिस्चार्ज, उसके कारण इन्फेक्शन होती है, तो उसके कारण भी आपके काला खून आ सकती है। अगर आपके हार्मोनल कुछ इशू आपके बॉडी के साथ है, PCOD है, थायराइड प्रॉब्लम है, तो आपके प्रॉब्लम ये हो सकती है, थायराइड और प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने पर भी काला पीरियड्स किसी किसी को हो सकती है। इसीलिए काला पीरियड्स ये सारे कारण के वजह से जब आपको होगी तो पूरा ड्यूरेशन, पूरा लेंथ, पूरा जो साइकिल आपको हो रही है 5 से 7 दिन, उसमें आपको पूरा दिन ही काला पीरियड्स नजर आएगी, तो आपको जरूर उसे टेक केयर करना है, डॉक्टर के पास इमिडिएटली जाना है। लेकिन पहले बार हुआ है तो ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख लो, नेक्स्ट साइकिल में भी आपको ऐसा हो रही है तो आपको डॉक्टर के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नेक्स्ट आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा रेमेडी मैं शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ काला पीरियड्स आपको नए नए आए हैं तो आप इस रेमेडी को अपनाओ, जरूर आपको अच्छा रिजल्ट आएगी। आप थोड़ा सा अदरक ले लो, अदरक को अच्छे से कूट लो,
अदरक को पानी के साथ मिलाओ, बॉईल करो, थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी पाउडर मिलाओ, दोनों को एक साथ बॉईल कर लो। बॉईल करने के बाद ये थोड़ा सा लिक्वम हो जाए तब तक के लिए पानी को छोड़ दो, हल्का सा गर्म रहे तब ये पानी के अंदर 1 टेबल स्पून सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी का पाउडर मिला दो और ये पानी को आप दिन में 2 बार करके पियो, सुबह शाम दिन में 2 बार करके पियो आफ्टर फूड खाने के बाद, आप देखोगे अच्छा रिजल्ट आपको मिल रही है। हाँ, ज़्यादा दिन तक करने का ज़रूरत नहीं है, अगर 1 महीना आप यूज़ कर रहे हो उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम फिर से हो रही है तो जरूर डॉक्टर से मिलो, तब आप ये रेमेडी को स्किप कर दो। हर बॉडी के साथ रेमेडी नहीं जाती है, आप 1 महीने के लिए इसे यूज़ करो, नेक्स्ट साइकिल पर भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि हार्मोन बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये रेमेडी काम नहीं करेगी, हार्मोन के थ्रू आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो। अगर नॉर्मल सी बात है, कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रही है और बहुत दिन तक ऑक्सीडाइज होने के बाद हो रही है, ये ब्लड ऐसा आ रही है तो आपको ट्रीट हो सकती है। 1 महीना देख लो, उसके बाद भी काम नहीं हो रही है तो जरूर डॉक्टर के साथ मिलो। तो गाइस, आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करो और आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना मत भूलिएगा। आपकी सबसे जिनके साथ शेयर करना जरूरी है जरूर शेयर करो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।